का फिल्म लॉन्च बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ फ्रैंकफर्ट के अंदर जो है 5000 टैक्सीज हैं, और 5000 टैक्सीज के अलावा आप यहाँ पे टैक्सीज गवर्नमेंट आपको इशू ही नहीं करती, और उसकी वजह से यहाँ पे अगर अब आप टैक्सी का लाइसेंस खरीदते हो तो आपको किसी प्राइवेट जो टैक्सी चला रहा है उससे खरीदना पड़ेगा, या किसी प्राइवेट जो फर्म होती है उससे खरीदना पड़ेगा। तो वो 90,000 यूरो 1,00,000 यूरो तक उसकी प्राइस चली गई है एक टैक्सी का जो बार कोड नंबर होता है ना वो लेने के लिए। ये हलाल फूड है, और ये 2.49 यूरो का ये लड़का देखो खुद खड़ा हुआ है, ऊपर उसने अम्ब्रेला लगाई हुई है, और वो अपना जो है ना खुद बिजनेस अपना कर रहा है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसे कहते हैं शाऊर, इसे कहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलती, तो आप इस तरह अपना काम कर सकते हो। भाई यहाँ पे अब हम आए हैं शीशा कैफे में, और क्योंकि हम दोनों जो है ना हम बाहर से आए हैं, हम उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि कौन कौन से फ्लेवर हमने पीने हैं, तो इस वजह से जिस भी कंट्री में रहते हो वहाँ पे नाम वगैरह और किस्म के होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आती है। और ये रात को कैफे में गए थे, ये इंग्लैंड से एजुकेटेड वेल एजुकेटेड आए हुए हैं, और इन्होंने वहाँ पे वेटर से जब बात की तो उसने बोला कि इतना रूड बिहेव मैंने आज तक नहीं कभी देखा जैसे ये करते हैं। ये 3 घंटे शीशा ढूंढ रहे हैं, वो भी फ्रैंकफर्ट में जहाँ 500 कैफे हैं बगैर मैप के, हम इधर भी आके लोगों से पूछते रहे हैं। यहाँ पे ये जो कैफे वगैरह वो वाकई स्टैंडर्ड के बने हुए हैं, वहाँ पे हमारे इटली में तो नहीं है, आपके इंग्लैंड में तो बहुत ज्यादा है। अब हमारा जो है शीशा वगैरह आ चुका है, ये देखो ये हमारा शीशा, एक ये रेड गोश्त, ये शीशा, और ये मैं पीने वाला हूँ मिंट वाली चाय। तो जी अब हम शीशा पी के फारिग हो गए, अब हम जाने वाले हैं फ्लिक्स बस के स्टॉप पे, और वहां से अब हम लेने वाले हैं टिकट फ्रांस के लिए, और फिर हमारी आगे नेक्स्ट जो जर्नी है वो फ्रांस के लिए स्टार्ट होने वाली है। टावर के नीचे फोटो बनाएंगे, और आप अगर यूरोप में ऐसे घूमोगे ना तो ऐसे ना घूमना, क्योंकि वो गे घूमते हैं। और एक इस तरफ कभी भी आपने बाली नहीं पहननी, वो भी गे पहनते हैं। यहाँ से मैं गुजर रहा था तो ये देखो इंडिया वाले भाइयों के लिए, ये जर्मनी के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये 190 फॉरिजन ऑफिसेज इन 36 कंट्री, 190 ऑफिसेज, 190 ऑफिसेज है 36 कंट्रीज के अंदर, 36 कंट्रीज के अंदर। तो यार ये बड़ी खुशी होती है इंडिया हो या पाकिस्तान हो, उनकी जब इस तरह की चीज़ें बाहर प्रमोट हो रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये यहाँ का जो है ना बहुत ही बड़ा होटल है, यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी कंट्रीज के प्रेसिडेंट वगैरह या जो मशहूर मशहूर पर्सनालिटीज होती है ना वो इस होटल पर स्टे करती हैं। ये आ गया हमारा, आप इसे रैप बोल लो, प्यादीना बोल लो, यहाँ पे क्या इसे बोलते हैं, दुरुम लामाचून, दुरुम लामाचून। और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि इसमें वो तुर्कीश कीमा वगैरह वो मिक्स लगा होता है। सही है, और इसमें सिंपल कबाब होता है। सही है, तो चलो चेक करते हैं। खा के 2 दिन भूख नहीं लगेगी। नहीं लगेगी भाई, देखो कितना बड़ा। ये टेस्ट इसका ना और अच्छा है। चलो चेक करते हैं। अच्छा बना हुआ, मजेदार। भाई यहाँ पे देखो एक लड़का है मेरे ख्याल से टिकटॉक है या सिंगर है, उसकी शूटिंग चल रही है यहाँ पे। तो भाई चलो हम भी इनके साथ। ओके सारो से अभी ताले फुल सारो से इसको से डालना। यार ये बहुत ही यहाँ पे फेमस है और बहुत ही हम्बल है लड़का, और ये लोग सारे इसके फैंस हैं। पूरा इस टाइम देखो पूरा जुर्मट इकट्ठा हुआ हुआ है इसकी शूटिंग देखने के लिए। इसलिए कहते हैं सोशल मीडिया को अगर अच्छी तरह इस्तेमाल करो तो लोग आपसे प्यार भी करते हैं, और अगर ना अच्छी तरह इस्तेमाल करो तो लोग आपसे नफरत भी करते हैं।
भाई अभी इस शॉप से इटालियन, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इटालियन जो है ना आइसक्रीम है, तो अभी चेक करता हूँ कैसी आइसक्रीम है, मगर बकवास तरीन आइसक्रीम है किसी ना काम की। ये यहाँ के सेंटर में ये कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और इसकी हिस्ट्री भाई से पूछते हैं। भाई सर बताएं इसकी हिस्ट्री क्या है। ये सैयद यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग है ना ये सबसे पुरानी है यहाँ की बैंकॉक की, और आप इनका नक्शा चेंज नहीं कर सकते, जैसी है वैसी रहेंगी एंड तक। सही है, क्यों नक्शा चेंज नहीं कर सकते? ये इनका पुराना कल्चर है, ये कल्चर खत्म नहीं करना चाह रहे। सही है। और ये यहाँ पे जो जब भी इनकी फुटबॉल टीम जीती आती है यहाँ पे उनको अनाउंस किया जाता है। सही है, यहाँ पे उन्हें रिगार्ड किया जाता है। और ये सारा जो ऊपर बना हुआ है ये जो गोल्डन है ये सारा ओरिजिनल वो गोल्ड लगा हुआ है, ये इनका ओल्ड हेरिटेज है। इन्होंने इसकी डिफेंस के लिए इधर नाइस करके नक्शा चेंज किया हुआ है, ना इन्होंने कुछ किया हुआ है। इनका जो डिपार्टमेंट है वो इसकी टेक केयर करते हैं। सही है, तो इसलिए मेरी टेक केयर मैं बाय सेल्फ करता हूँ। सही है, इसलिए आप देखेंगे हम लोग स्मार्ट एंड हैंडसम लग रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सही है, हाँ। बाकी यही है, ये पाकिस्तान को भी पैगाम लेना चाहिए ना कि अपनी जो हेरिटेज है उन्हें बचा के रखें। पाकिस्तान में जो जितनी पुरानी हेरिटेज है वहाँ पे जहाँ पे मुकामी लोग हैं उनको गिरा गिरा के से उसमें से पुरानी ईंटें निकालते हैं और कहते हैं ये हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए काम आएंगे। ऐसा ही है, और वो उन्हें बचानी चाहिए ताकि वहाँ पे टूरिस्ट जाए। जी अब यहाँ पे इतना ज्यादा टूरिस्ट इसीलिए है ना, ये हेरिटेज देखने के लिए, और इन चीजों से ये पैसा कमाते हैं। इन चीजों से ये पैसा कमाते हैं, हमारे वहाँ पे गंदगी के ढेर लगा देते हैं, कहते हैं ये चीज पुरानी है। हमारे लिए वही हेरिटेज है। ये यहाँ से मैं गुजर रहा था तो ये मैंने देखा है, ये जो है ये पेंटिंग बनाते हैं ये स्प्रेज के साथ ना, तो ये सारी जितने भी स्प्रे ये वहाँ पे पड़े हुए हैं उनके साथ ये पेंटिंग बनाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ का जो रिवर है, या मेरे ख्याल से हाँ रिवर है या लेक है, अब मुझे सही कन्फर्म नहीं है, तो उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे हम कल भी रात को आए थे मगर रात को इतना ज़्यादा कुछ सही तरह देखा नहीं था, और आपको भी कुछ अच्छी तरह नहीं था दिखाया, तो मैंने बोला दोबारा वहाँ पे चलते हैं और फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखो कितने लोग हैं, और ये कुछ बड़े शिप्स भी खड़े हैं, मेरे ख्याल से इन शिप्स वगैरह में लोग घूमते भी हैं और पार्टी वगैरह भी करते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे शुद्ध अमेरिकन जो है ना वो इस तरह के सॉन्ग्स पे डांस करते हैं। अभी वो देखो, अभी ये देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो डांस वगैरह कर रहे हैं। ये साउथ अमेरिका जो है ना लोग ऐसे डांस करते हैं। ये जो रोड है ये रोड जो है कहते हैं कि सर्दियों में ये रोड खुला रहता है और गर्मियों में इस रोड को, वहां से आप देख रहे होंगे आपको वो नजर आ रहे होंगे, वहां से जो है ना ये रोड को ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लोग होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो फिर जो उन्हें खतरा बन जाता है ना, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो इस वजह से वो ये रोड ब्लॉक कर देते हैं। और आप देख रहे हो इस रोड पे बहुत ही रश होता है और लोग अपना डांस कर रहे होते हैं, अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर यार ये तो साबित हो गया जर्मन की लाइफ एंड है। अगर आपको कहीं पे एंजॉय करना है तो आप फ्रैंकफर्ट में आ जाओ, आपका आप अगर एक महीना भी रहोगे ना यहाँ तो आप एंजॉय यहाँ पे करोगे। अच्छा तो अब हम आए हैं इस ब्रिज पे, इस ब्रिज का क्या नाम है, ये भी माइन में ही आता है ना, अम माइन कहते हैं ये रिवर को, ये रिवर को डच में अम्माइन कहते हैं और इसे अम्माइन ब्रिज भी कहते हैं। और जब पहले हम गए थे तो वो सामने आपको ब्रिज नजर आ रहा होगा, वो जो है ना स्टील का ब्रिज बना हुआ है, और ये जो है नॉर्मल ब्रिज है जिसपे अब ट्रैफिक वगैरह चलती है, और वो उस तरफ भी इस तरफ भी, और ये तीन ब्रिजेज हैं, मगर वो जो ब्रिज है ना वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए है, पैदल चल के जाने के लिए। यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट यार्ड्स भी बुक करवा सकते हो, पहले मैंने देखा एक प्राइवेट यार्ड एक कपल ने बुक कराई हुई थी और वो आगे लेटे हुए थे, तो यार क्या सीन है। और यहाँ का मौसम भी बहुत ही प्यारा है। उम्मीद है आज का भी व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना,
और मेरे इसी चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि अगली वीडियो में हम ट्रैवल करने वाले हैं फ्रांस की तरफ। तो अपनी सपोर्ट ऐसे ही करते रहो और मेरे चैनल को ऐसे ही ग्रो करते रहो।